हालात ने जो भी रुख इख्तियार किया हो, सच तो यही है कि मैं आज जिस मुकाम पर खड़ा हूं वो सब तुम्हारी मेहरबानियों का कमाल है। अम्मी की सर्जरी और हरीम की शादी एक साथ आकर मेरे सामने खड़ी हो गई है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम परेशान नहीं हो रूफी, जो बन पड़ा मैं करूं। आंटी की सर्जरी भी टाइम पे होगी और हरीम की शादी। मुझ पर पहले से ही तुम्हारे बहुत एहसानात हैं, यकीन करो एक एक चीज याद है मुझे। अगर किस्मत ने मुझे मौका दिया तो मैं तुम्हें कभी भी मायूस नहीं करूंगा। हरीम के मामले में सारे गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन आज तुम्हारा शुक्रिया अदा करना बनता है। काश मैंने आपकी मोहब्बत के पीछे छुपे शक और बेतबारी के जज्बों को भांप लिया होता तो ये होता कि मैं तन्हा होती। माजी के तकलीफ दे साए मेरे साथ ना होते, बेतबारी का सामना करना बेवफाई का सामना करने से बड़ा दुख होता। मिलती रही हो तुम मुझे अकेले कमरों में, रेस्टोरेंट्स में, साहिल समंदर पे, हुँ? नहीं मिली। पुरानी मोहब्बतें होती हैं फाइज साहब, ये भुलाए नहीं भूलती दोस्त। हरीम भी क्या लड़की है यार, पता नहीं कितने लड़के घुमाएगी। आजकल भी नया मुर्गा भांस रखा है उसने, रात दिन उसी के साथ होती है। अगर कि तुम्हें पता नहीं है, एक मिनट।